PPR HS फॉर HS 2022। तो HS 2022 का जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद से आप जो है, अगर उसमें या तो फिर आप संतुष्ट नहीं है, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप सेटिस्फैक्शन नहीं है उसमें कि आपका नंबर या तो पास किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, जिसमें आपको लगता है कि आप पास होंगे लेकिन आप पास नहीं हो पाए, उसमें वो नंबर नहीं आ पाया, या फिर आपका नंबर तो आया है लेकिन कम नंबर आया है। तो ये दो तरह का कंडीशन होता है कि अगर आप फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसमें क्या फॉर्म फिलअप करेंगे, PPS बनेंगे या PPR भरेंगे, ये सवाल। अगर आप फेल नहीं हुए हैं लेकिन वो सब्जेक्ट में आपका नंबर थोड़ा कम आया है तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दो तरह का कंडीशन होता है, इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में PPS और PPR क्या होता है उसके रिगार्डिंग मैंने अच्छे पूरे डिटेल में बताया है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो माध्यमिक एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेकिन PPS और PPR का मतलब क्या होता है पूरे डिटेल में मैंने बोला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लेंगे। अभी मैं क्लास 12 जो HS एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, आप क्लास 12 वाले कैंडिडेट हैं जिसने 12 का एग्ज़ाम दिया था, उनका रिज़ल्ट आया है, अगर वो लोग PPS और PPR भरना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो वो क्या अपडेट है उसके रिगार्डिंग, कौन कौन सा रूल रेगुलेशंस को मेंटेन करना है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं ऑफिशियली वेबसाइट से ये नोटिस पब्लिश किया गया है, और उस नोटिस में ये सब, जैसा कि मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये जो PPS और PPR है, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से ये चलेगा, एक्टिवेट होगा, वहाँ पे लिंक आएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा 20 तारीख से और 20 जून, और ये चलेगा कब तक, 5 जुलाई तक, ठीक है। ये मेंशन है यहाँ पर, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। उसके बाद जो अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या अप्लाई हो सकता है, PPR, तो PPR का मतलब होता है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू, और एक होता है PPS यानी पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी। तो उसके लिए कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, अपना रोल नंबर और मार्कशीट नंबर। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप कहाँ करेंगे, तो आपका जो स्कूल है उस स्कूल से कॉन्टेक्ट करेंगे, उस स्कूल में जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद वहाँ पे क्या है, आपको अपना रिज़ल्ट जो मिलेगा आप कलेक्ट करेंगे, इससे पहले 20 तारीख में आपने रिज़ल्ट कलेक्ट कर लिया है, अगर आपको नहीं मिला तो एक दो दिन में अपना स्कूल से कांटेक्ट करें, वो रिज़ल्ट ले लें, रिज़ल्ट लेने और मार्कशीट ले लें, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी है ले लें, और लेने के बाद से उसको ले जा कर के क्या करना है, आपको लेके जाना है, और वहाँ पर उस आपका पता होना चाहिए कि आपको वहाँ पर मार्कशीट में और रोल नंबर भी मेंशन होता है, तो वहाँ से मार्कशीट में खुद एक मार्कशीट नंबर होता है, रोल नंबर होता है। मैं लाइव बताऊंगा कि कैसा, कहाँ पे मार्कशीट में नंबर लिखा रहता है, कहाँ रोल नंबर होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं अभी बता रहा हूँ क्या क्या रूल फॉलो करना है। नंबर 1, आपको रोल नंबर और मार्कशीट नंबर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में लगेगा, चाहे वो आप PPS करें या PPR करें 2022 के लिए। नंबर 2 क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अगर अप्लीकेशन करना है पर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, PPR करेंगे, तो आपको पर सब्जेक्ट 150 रुपीज़ लगेगा ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो होता है आपका, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है ना, इसके इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, वो पर पेपर का जो चार्ज है 150 लगेगा PPR में, पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू में। और जब स्क्रूटनी करवाएंगे आप, उसके लिए पर सब्जेक्ट 100 लगेगा, और इच सब्जेक्ट जैसा कि मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आप एक साथ दोनों नहीं कर सकते, या तो आपको PPS के लिए अप्लाई करना होगा या तो PPR के लिए अप्लाई करना होगा। ये थ्योरेटिकल पेपर के लिए होगा, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। और यहाँ पे PPS और PPR जो सब्जेक्ट है, किसी एक ही मेथड से कर सकते हैं, दोनों में नहीं, एक सब्जेक्ट का आप PPR भी करवा दे, PPS भी करवा दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है, साफ साफ मना किया गया, दोनों आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमको पूरा कॉपी चेक करवाना है, मतलब A to Z उसमें जिसमें कॉपी चेक किया जाएगा वो रिव्यू होता है, और स्क्रूटनी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग किया जाता है नंबर का, तो आप जैसे चाहें वैसा करवाएंगे। और उसके बाद से आप जो भी इंफॉर्मेशन है करेक्टली भरें, अच्छा से भरें, और जो फ़ी है लास्ट में वो दें, जो पीरियड है उसी पीरियड के दौरान, जो आपको डेट बताया गया शुरू में उसी पीरियड के दौरान भरेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट होगा, नहीं तो फिर वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद वाला में नहीं होगा।
और जो भी दिया गया इन्फॉर्मेशन सही से इन्फॉर्मेशन भरे, अगर गलत भरेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब आपने सब कुछ सबमिट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, तो अब आपका मन में सवाल आएगा कि इसको मैं कहाँ से, रिज़ल्ट मुझे कहाँ से पता चलेगा। तो रिज़ल्ट भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पे रिज़ल्ट पब्लिश होगा, और जैसे ही पब्लिश होगा आप वहाँ पे नॉर्मली जैसे रिज़ल्ट चेक करते हैं वैसे उसका भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप उसी की तरह रिज़ल्ट चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद आपका फिज़िकल रिज़ल्ट भी आपके स्कूल में भेज दिया जाएगा, तो जो चेंजेस होगा तो आपको भेज दिया जाएगा, आप वो वाला नया वाला रिज़ल्ट कलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेंगे नया वाला, और पुराना वाला स्कूल को दे देंगे, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग PPS और PPR के रिगार्डिंग, और जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि उसका जो लुक होता है PPS और PPR का कैसा लुक होता है, कैसा दिखता है, कैसे कैसे वहाँ फिलअप होता है, क्या होता है उसमें, क्या क्या होता है, कैसे कैसे दिखेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर ही बनाऊँगा। और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो नोटिस है ना, इस नोटिस का PDF का लिंक भी मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और इससे पहले मैंने PPS और PPR के रिगार्डिंग एक साल पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, सेम इंटरफेस रहता है, तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बना हुआ है, ठीक है, किस तरह से PPS और PPR में क्या क्या भरना होता है वो सब लिखा हुआ है। अगर आप बोलेंगे कि लेटेस्ट फिर से बनाना है, तो उसके लिए भी मैं फिर से वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।